आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो दोस्तों, आज है 12 जुलाई, मतलब मेरा बर्थडे का दिन। आप लोगों ने काफी सारा वेश विशेष किए हैं इंस्टाग्राम पर, तो भाई इतना सारा मेंशन आ चुका है, व्हाट्सएप मेरा पूरा भर चुका है हैप्पी बर्थडे विशेष से। तो आप सबको सबसे पहले थैंक यू सो मच। सबका तो मेरी मेंशन नहीं कर सकता, सबको मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सबको तहे दिल से शुक्रिया इतना सारा विशेष देने के लिए। बाकी दोस्तों, आज है 12 जुलाई और आप सबको जैसा कि पता है, मैंने एक महीना पहले से ही काफी ज्यादा आप लोगों का हाइप क्रिएट कर चुका है कि मेरा एक नया कार 12 जुलाई को आने वाला है, लेकिन कौन सा कार होगा वो अभी तक आप लोगों को नहीं पता था। लेकिन अभी और हाइप बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइटल एंड थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो फाइनली दोस्तों, अभी 12 जुलाई के दिन हम एक नया कार लेने जा रहे हैं, जो कि है फॉर्च्यूनर लीजेंडर। ठीक है, आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट भी आया था कि नॉर्मल फॉर्च्यूनर ले या लीजेंडर ले, तो आप लोगों को काफी ज्यादा कमेंट आया था कि लीजेंडर लीजिए। वो एक भोकाल है, भोकाल समझ सकते हैं ना, लीजेंडर बहुत कम है। धनबाद में आप चलोगे रोड में तो नॉर्मल फॉर्च्यूनर बहुत दिख जाता है, लेकिन लीजेंडर बहुत कम ही लोग लेता है, क्योंकि अप्रोक्स मान सकते हैं 5 से 6 लाख का डिफरेंस है नॉर्मल फॉर्च्यूनर और लीजेंडर में, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, लुक में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। तो चलिए, अभी रेडी हो चुके हैं, बाकी मेरे साथ जा रहे हैं मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी सारे लोग हैं, इधर देखे भैया आए हुए हैं, उधर दादी है, मम्मी रूम में अभी मोटा को पकड़ के रखी है, क्योंकि कुछ नए नए लोग हैं वो पहचानता नहीं है। इधर ज्योति भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं शोरूम। जस्ट 15 मिनट में हम लोग का शोरूम है घर से, बगल में ही गोविंदपुर में, वहाँ पर चल रहे हैं टोयोटा का शोरूम, वहाँ से चलिए। देखिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, मजा आएगा, कौन सा कार है नहीं है वहाँ जाकर रिव्यू करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, ज्योति आगे बैठ चुकी है, पीछे इधर पप्पू वगैरह, और इधर एक गाड़ी और है जो कि मेरे ससुर जी आए हुए हैं, उधर आकाश का आया हुआ है। तो सबको अपने धीरे धीरे सोसाइटी से निकल रहे हैं, चलते हैं चलिए डायरेक्ट शोरूम। और बहुत कोई और भी आया है, यूट्यूबर्स भी है काफी सारे, चलिए सबको मिलाएंगे आप लोगों से। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं टोयोटा शोरूम, ये रहा धनबाद टोयोटा, जो कि पहले भी देखा होगा आप लोगों ने जब बुकिंग करवाने आए थे। और इधर सब गाड़ी हम लोग का आ रहा है, पूरा फैमिली वाला, मम्मी पापा सब है, गोलू है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अपना गाड़ी रेडी है कि नहीं। आइए भाभी जी। थैंक यू मायरा, हाथ मिलाओ। नहीं आता, नहीं तो हम गाना गाते हैं विश करते। हेलो, हैप्पी बर्थडे सर। ताकि ब्लॉगिंग भी नहीं रुके सर। और ये टीएन नंबर है, ये पीआर नंबर है, जो अभी आपकी गाड़ी में लगा के आगे पीछे देंगे। तो गाइज, यहाँ पे सारा पेपर वर्क हो गया है, ये रहा सारा पेपर हाथ में, इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ है। और अभी टेम्पोररी नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि अभी जो चॉइस नंबर चाहिए वो अवेलेबल नहीं था, नेक्स्ट स्लॉट जब ओपन होगा तब वो मिल जाएगा, देखते हैं 1-2 महीना के अंदर में मिल जाना चाहिए। बाकी चलिए, अब गाड़ी फाइनली अभी निकलेगा, फिर आप लोग को दिखाते हैं। और वेलकम टू टोयोटा फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका धनबाद टोयोटा फैमिली में। मैंने आज से 1.5 साल पहले भी एक बार कार यहाँ से देख के गया हुआ था, बट उस टाइम कुछ प्लानिंग कैंसिल हो गया था लेने का, थोड़ा पर्सनल इशूज थे। फिर फाइनली अभी फिर से हमने प्लानिंग किया, आया फाइनली, अभी हम एक ऑन करने वाले हैं खुद के लिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन वंस अगेन आपका फॉर्च्यूनर लेजेंडर के लिए। तो आप लेजेंडर में मतलब क्या ऐसा आपको पसंद आया जो आप लेजेंडर ही चूज कर रहे हैं? मेरा अगर पर्सनल मैं रीज़न बताऊँ, ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो फीचर्स वगैरह में डिफरेंस नहीं है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेजेंडर। और मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न था लेजेंडर लेने का, वो था मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, और ज़्यादातर अभी यूट्यूब पे देखो आप, इंस्टाग्राम पे देखो, जहाँ देखो लेजेंडर थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो गाइज, अभी अपना कार यहाँ पर देखिए फाइनली आ चुका है, वॉश वगैरह होकर के अभी लगेगा, कुछ कुछ इसमें एक्सेसरीज भी लगवाना है 1-2 छोटा मोटा, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और क्या लग रहा भाई साहब, कमेंट कीजिए आप लोग, भोकाल लग रहा, भोकाल, इसका नाम ही भोकाल रख देना है बेटा, जब बोलेंगे भोकाल निकालो। नाम क्या रखना चाहिए, कमेंट कीजिए। चलेगा ढेर सारा काला 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 काला, तो मजा आएगा। अभी निकलेंगे ना साथ में, रोड में आधे तो भोकाली मचाएंगे अभी निकल के। ना यस जी, आपका भी तो व्हाइट है, आप मेरे पीछे रहिएगा। बहुत खुशी हो रहा है, नेक्स्ट लेवल खुशी हो रहा है। कैसा लग रहा है अंकल, बताइए? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है या बिंदास लग रहा है? बिंदास लग रहा है। कैसा लगेगा हैरियर से एकदम सीधा जम करके फॉर्च्यूनर? महंगा गाड़ी है, ठीक है। अच्छा, तो मनोज भैया के लिए कुछ बोलिए, एकदम बढ़िया था प्यारे वास्तव, जो आपका दिल में आ रहा है एकदम। क्या बोलेंगे, कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है? ठीक है लग रहा है, और क्या बोलेंगे। अंकल का फेस दिखाओ। अब आंटी से पूछते हैं, ठीक है। आंटी, कैसा लग रहा है आपको नई गाड़ी लेकर के अभी? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मनोज भैया के लिए कुछ बोलना है? इधर आइए, इधर इधर इधर
इनके लिए कुछ बोलना है बढ़िया जो दिल में आ रहा है वो भी बोल दीजिए। मम्मी तो बंगला बोलेगी ना। तो चलिए फाइनली गाइस हमारा कार आ चुका है, अब हम लोग निकलेंगे और अब मेरे मम्मी पापा जो भी है दादी है पूरा फैमिली अब फॉर्चुनर से घूमेगा, समझ रहे हैं कितना प्राउड वाला बात है। अपने आप में गर्व फील हो रहा है आज हमको कि अपने माँ बाप को अपने फैमिली दादी वादी सबको फॉर्चुनर में घुमाएंगे अब। चलिए आंटी इमोशनल हो गई, आंटी आंटी का फेस देखा, ये आंटी खुशी के आंसू है ना। एक नंबर केक बनवा दिए हैं शोरूम वाले, थैंक यू सो मच इतना सुंदर केक बनाने के लिए। देख सकते हैं लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे मिस्टर मनोज दे, वेलकम टू टोयोटा फैमिली। थैंक यू। थैंक यू सबको। Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. सो गाइस अभी फाइनली हो गया, केक कट हो गया, पर्दा हटा लिए, गाड़ी भी मिल गया, गाड़ी अब हमारा है फाइनली, अब हम बोल सकते हैं ये फॉर्च्यूनर मेरा है। चलिए अब इसको स्टीयरिंग पकड़ते हैं, फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं गेट के बाहर, मम्मी पापा को बैठाते हैं, दादी को बैठा लेते हैं इसमें। तो चलिए गाइस फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जय विश्वकर्मा। एक नंबर तो गाइज अभी हम लोग अपना कार लेके निकल चुके हैं शोरूम के बाहर, फर्स्ट टाइम लेजेंडर ड्राइव कर रहे हैं, लेजेंडर कभी ड्राइव नहीं किए थे, नॉर्मल फॉर्च्यूनर चलाए हैं। ओ भाई गजब का स्पीड है रे, गजब स्पीड भाग रहा है। अब पीछे देखे हंस रही मम्मी और दादी, बोल रही कि पूरा ये हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है इतना स्पीड है। हाँ स्पेस बहुत है, 7-सीटर गाड़ी है और इसका इंटीरियर देखिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत ये रहा स्टेरिंग। तो चलिए अब हम लोग हाईवे में आ चुके हैं और हाईवे में चलाने का इसका अलग ही मजा है, अलग ही फील है। सबसे बड़ी बात कि लग रहा है कि जैसे कहीं बैठे हैं पहाड़ में, इतना हाइट लग रहा है, हैरियर से बहुत ज्यादा हाइट, इसीलिए इसमें जो है खुला खुला लगता है। जैसे किसी किसी को गाड़ी में अगर उल्टी होता है ना, दी वाला गाड़ी में उतना उल्टी नहीं होगा, तो पूरा ओपन ओपन टाइप का फील हो रहा है ना। चलिए अभी पहले जा रहे हैं हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप, फ्यूल डलवाना पड़ेगा उसके बाद ही हम चला सकते हैं, फ्यूल अभी बहुत कम है। तो फुल टैंक करवा रहे हैं, सबसे पहला गाड़ी जब भी शोरूम से निकालते हैं ये रूल है फुल टैंक करवाना। हाँ ठीक है अंकल। तो दोस्तों फाइनली हमारा देख सकते हो फॉर्च्यूनर अपने घर के पास आ चुका है, फॉर्च्यूनर कल ही आ चुका है, ये एक दिन के बाद ही एंडिंग पार्ट शूट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फाइनली हमारा फॉर्च्यूनर लेजेंडर आ गया, लेकिन आप लोगों ने सीधा देखा कि फॉर्च्यूनर का डिलीवरी ले लिए, ये कर लिए, लेकिन इस ब्लॉग को देखने वाले काफी सारे नए यूजर भी होंगे, नए व्यूअर होंगे जिनको मेरे बारे में नहीं पता। भाई ये फॉर्च्यूनर अभी ले रहे हैं ना, एक टाइम था जब हम मोटरसाइकिल भी लेने के लिए औकात नहीं था आपको, ठीक है, एक मोटरसाइकिल भी ले पाएंगे कि नहीं इसके बारे में सोचते थे, लेकिन देख सकते हैं आज सोशल मीडिया का पावर की वजह से, सोशल मीडिया के चलते आज ये फॉर्च्यूनर अपने हाथ में है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए ये है मोंटी ब्लॉग, भाई आए थे रांची से स्पेशली इस डिलीवरी में और बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग पूरा मिलेगा ज्योति वाले चैनल पर, फाइनली तुम आया इसके लिए थैंक यू, और भी मामपी राहुल वगैरह सबको आए हुए थे, तो काफी अच्छा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन भी कल हुआ है, एकदम मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन। वो ब्लॉग आएगा ना? हाँ वो ब्लॉग ज्योति के चैनल पर। एंड अभी जो टॉपिक पे बात कर रहे थे थोड़ा सा वो मोटिवेट करो, जैसे लोगों को बोल रहे थे कि ये फॉर्च्यूनर आज मैंने जो लिया है, इससे पहले एक मोटरसाइकिल भी खरीदने का हैसियत नहीं, हैसियत नहीं 2016 के पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। बट ये कैसे हुआ, इतना यूट्यूब पे तो और लोग भी तो काम कर रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं आते ले पा रहा है, रीजन क्या है? ये भी पॉइंट वाली बात है कि सब कोई क्यों नहीं कर पा रहा,
सब कोई इसलिए नहीं कर पा रहा ना। सबसे बड़ा रीजन हम ये मान सकते हैं कि अपने अंदर में कुछ ऐसा कुछ अलग करने का जो है ना वो क्वालिटी नहीं दिखता किसी के अंदर में। ये तो बात देखा देखी बहुत होता है। ठीक है, अभी जैसे क्या है कि काफी सारे ब्लॉगर हैं, उन लोगों को इतना नॉलेज आ गया है कि टेक चैनल पे ज्यादा इनकम होता है, तो टेक चैनल खोल के बैठ जा रहा है। ये करने से नहीं हो पाएगा। देखिए अभी बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में, पहले यूट्यूब को समझो उसके बाद काम करो, तब आप लोग बेनिफिट और दो पैसा कमा पाओगे। तो ये जो फॉर्च्यूनर खरीदा है ये आज ऐसे ही नहीं खरीदा है, इसका कंटिन्यू वीडियो आता है, बसरते डिले नहीं होता है, काम के ऊपर इतना फोकस है बंदे का कि जिसका कहने नहीं वैसे ही होता है। आप लोग भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, तभी एक दिन सक्सेस। फॉर्च्यूनर आज का नहीं है, जब मैं यूट्यूबर बन गया था पैसा आना शुरू हो गया था तभी से एक सपना बन गया था कि फॉर्च्यूनर तो एक दिन जरूर लेंगे, और उसके लिए उतना डेडिकेशन के साथ काम भी किए जो कि आज देख सकते हैं इस बदौलत ले भी पाए। अभी हम अगर सुस्त मार देते कि भाई पैसा तो आ ही रहा है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, चलो कभी वीडियो नहीं डालते हैं दो चार दिन, क्या ही दिक्कत है, तो फिर ये फॉर्च्यूनर नहीं आ पाता। इसलिए तो हिट किए भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत बधाई हो, एंड आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सपोर्ट किया, प्यार किया। आप लोग तो जितना भी बोलूं उतना थैंक यू मतलब कि कम है, बाकी आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया बोलता हूं, धन्यवाद इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैलाओ चारों तरफ एकदम, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि जब हम जैसे लड़के कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। भाई ये फॉर्च्यूनर वाला वीडियो है, कम से कम 1,00,000 तो लाइक मानता है, आ जाएगा 100 के लाइक हो जाना चाहिए, आ जाएगा ना, ठोको लाइक दिखा दो भाई पावर मनोज देखा आज देखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।